मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन विगत 2 वर्षों से लगातार लंबित महत्वपूर्ण मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन शासन प्रशासन स्तर पर कोई सुध नहीं ले रहा है। आंदोलन की इसी कड़ी में खरगोन संगठन के पेंशनर्स डे मनाया और सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है। हम आपको बता दें कि संगठन आने वाली 30 तारीख को भोपाल में उग्र आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है और मांगों को नजरअंदाज करने की बात पर आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार की ईंट से ईंट बजाने की बात भी कर सामने आ रही है। इस दौरान संघ के राधेश्याम पाटीदार ने बताया कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो प्रदेश के 20,000 से अधिक पेंशनर सत्ता का उलटफेर करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। राष्ट्र के निर्माता और हमारे भारत देश के प्रथम इंजीनियर, भारत रत्न प्राप्त सम्मानीय श्री विश्वेश्वरैया जी की आज जन्म जयंती है, जो कि पूरे देश में इंजीनियर्स डे के रूप में मनाई जाती है। आज हम खरगोन पेंशनर एसोसिएशन के माध्यम से यहाँ पर उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं और इस अवसर पर हमारे खरगोन जिले के समस्त तहसीलों के साथ समस्त पेंशनर उपस्थित हुए हैं। आज चूंकि हमारे इस इंजीनियर डे के साथ साथ हमारे पेंशनर्स लोग आंदोलनरत भी हैं और आगामी 30 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश के लगभग 20,000 हम पेंशनर साथी इकट्ठे होकर अपनी मांगों का जो प्रस्ताव है वो शासन को सौंपेंगे। क्योंकि पिछले 2 वर्ष से लगातार हम धरना आंदोलन प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को सूचित कर रहे हैं और समय समय पर उनको संज्ञान में भी ये बातें ला रहे हैं, परंतु शासन हमारी मांगों को अनसुना कर रही है। इसलिए विशाल धरना प्रदर्शन 30 सितंबर को भोपाल में होगा और अगर उस समय भी हमारी मांगों को अनदेखा किया गया तो आने वाले समय में हम चुनाव में सरकार को उनकी नीतियों के विरोध में भी हम काम कर सकते हैं। इंजीनियर राधेश्याम पाटीदार, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।